ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता दसवाध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवतागण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देव और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे सब मोहरहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दंभ, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सात महर्षि और उनके पहले चार मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भलीभांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपनी चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देवी पयमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। हे अर्जुन। फिर अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो, तुमको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसे कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव, इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। ये सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतः आप अपनी उन विभूतियों का हार पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों का विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुमसे कहता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों वाला विशित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं ही वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। मैं हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं ही महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौों में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ।
नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अरेमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रह्लाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद, अक्षय कोक और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ, तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहम पदार्थों में मौन, ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य भूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभ्यमान, यशवान है, ने उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योगो नाम दशमो अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता दसवें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब दसवें अध्याय का महात्म्य सुनो। तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैंने उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्यामवर्ण हो गई। मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। वह आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के दसवें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिलाता इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता के दसवें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको डालने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरी यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होवे? तूने इस कमल देह से छूट कर कैसे देव दे पाई? तब कमलनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के दसवें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालीग्राम का पूजन कर दसवें अध्याय का पाठ किया।
उसे हंस और कमलनी ने सुना तब उनका उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत हुआ और कमलनी देवकन्या हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।